इस तरह से देर वॉज म्युनिसिपल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट एंड फाइनली कॉरपोरेशन, ठीक है। तो तीन टाइप के इश्यूज थे। अब हम इसकी एक्चुअल टाइप्स देख लेते हैं कि एक्चुअल बॉन्ड की इटसेल्फ कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। बॉन्ड्स कम इन ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, हर तरह के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सो हम उनको सबको डिफाइन कर लेंगे अभी। नंबर वन, बेरर बॉन्ड्स। बेरर बॉन्ड को अगर मैं समझाना चाहूँ इन सिंपल टर्म्स, तो जैसे कि एक करेंसी नोट है मेरे पास, ठीक है। वो मेरे पास है तो भी वही वैल्यू रखता है, मैं उससे जाके कोई चीज परचेस करता हूँ। वो आपके पास है, आप भी उससे वो चीज परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दे दिया तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इस बंदे का नोट है, करेंसी नोट है, जिसके हाथ में, मुझसे गिर गया, किसी ने उठा लिया, जाके यूज कर लिया, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द करेंसी कि वो बेरर होती है, जिसके भी हाथ में होगी वो चला सकता है आराम से। उसमें ये नहीं है कि जी ओके ये तो इसके नाम पे है, मुझे अगर किसी को पेमेंट करनी है तो अपने नाम का पहले नोट पब्लिश करवाएगा, उसके बाद लेके जाएगा। मैं कोई भी नोट है उसको वो करा दूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बेरर बॉन्ड भी इस तरह से होता है, उसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, आपको इश्यू कर दिया गया। अब जिसके हाथ में होगा वो यूजुअली इसकी साइड के ऊपर ना एक टेयर ऑफ स्ट्रिप होती है, वो जो आपने देखा होगा परफोरेटेड डॉट्स होते हैं, वो आप उसको फोल्ड करके टेयर कर लेते हैं, यूजुअली होता है ना कि टेयर हेयर, उस तरह का एक टेयर ऑफ स्ट्रिप होती है। सो सिंपली टीयर ऑफ थिंग, यूजली आप उसको, या इवन अगर हम इसको भी क्लासिफाई कर लें, यूजली तो ये रहा टीयर ऑफ, जैसे कि ये परफोरेटेड है, आई कैन टेयर दिस ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक है ना। इस तरह से उसकी साइड के ऊपर अटैचमेंट्स होंगी, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए। आप हर बार एक टेयर करेंगे, जाके प्रेजेंट करेंगे और आपको तो इंटरेस्ट की पेमेंट मिल जाएगी। एंड पे आप बचा हुआ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे तो आपका आपका ओरिजिनल अमाउंट वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये अब मैं लेके जाऊंगा तो भी मिल जाएगा, आप ले जाए उसी बॉन्ड को उठाकर आपको मिल जाएगा। सो बेरर बॉन्ड का ये बेनिफिट होता है जिसके भी पास है वो उसका, जैसे कि हमारे यहाँ एक अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएगी आपको, प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड मेरे पास है तो मैं उससे कुछ भी कर सकता, मैं आपको दे दूंगा आप ले लेंगे, ठीक है। आपसे जाके कुछ चीज परचेज कर सकते हैं, उसको मार्केट में जाके बेच सकते हैं। इसमें जो डिफरेंस आ जाता है प्राइस बॉन्ड में, वो बेसिकली उसके अंदर कई चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि हमारे जो प्राइस बॉन्ड है उसमें ये होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती, इनफैक्ट वो इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है और उसकी जगह कुछ प्राइजेस अनाउंस कर दिए जाते हैं कि जी ये प्राइजेस हैं, लोगों में से कुछ लोगों को इनाम मिल जाता है, बाकी तमाम को कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिलती। तो इसमें इंटरेस्ट के अलावा गरर और गैम्बलिंग का एस्पेक्ट भी आ जाता है, इस वजह से प्राइस बॉन्ड टोटली इस्लाम से आउट हो जाता है। ऑल्दो इंटरेस्ट की वजह से बॉन्ड भी नहीं अलाउड, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर गैम्बलिंग और गरर भी आ जाता है, इस वजह से प्राइस बॉन्ड भी टोटली नहीं अलाउड। बट ये बेरर की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ये आपके हाथ में है तो यू आर द बेरर, यू कैन यूज इट एनीवेयर। इसकी एक ऑपोजिट फॉर्म होती है रजिस्टर्ड बॉन्ड्स। रजिस्टर्ड बॉन्ड ये होगा कि इट कैन बी बोथ वेज, या तो सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपका नाम लिखकर आपको इशू किया जाएगा, ठीक है, बॉन्ड के ऊपर भी, या फिर बॉन्ड आपको इशू कर दिया सर स्टैंडर्ड सिंपल, लेकिन पीछे एक रजिस्टर्ड मेंटेन है जिसमें लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर इससे लेकर सीरियल नंबर इस तक इस बंदे ने परचेज किया हुआ है, तो वो वहां पर रजिस्टर्ड में आपका रिकॉर्ड मेंटेन है। देन कम्स इन टर्म बॉन्ड्स। टर्म बॉन्ड्स सादा अल्फाज में मेच्योरिटी के ऊपर एक बार मेच्योर होगा, उससे पहले ये कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आमतौर पे हमने देखा होगा कि बॉन्ड्स होते हैं वो 5 ईयर का है, 10 ईयर का है, तो उसने हर साल आपको या हर 6 मंथली आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। टर्म बॉन्ड ये नहीं करता, टर्म बॉन्ड एक बार आपने परचेज किया और फिर लाइफ के एंड के ऊपर आपको एक बार सिंगल पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। इट मेच्योर्स वंस आफ्टर द कंप्लीट टाइम फ्रेम एंड आर रिस्की। रिस्की क्यों है? तब तक कुछ भी हो सकता है, और एक और एस्पेक्ट भी है, अगर उस वक्त उसके पास इतने पैसे ना हो जब उसने पे करना है, जैसे कि अभी श्रीलंका के साथ हुआ, उन्होंने जब बॉन्ड इशू किया था तब तक तो उनकी हालात अच्छे थे, कंट्री अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जब बॉन्ड रीपे करने का टाइम आया तब उनके हालात इतने बुरे हैं कि उनके पास करेंसी है ही नहीं बॉन्ड रीपे करने के लिए। सेम कैन हैपन विद एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स, कि आपने बॉन्ड तो इशू कर दिया लेकिन जब रीपेमेंट की बात आई तो आपके पास उतना कैश ही नहीं है कि आप बॉन्ड को वापस परचेज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमने $10 मिलियन के बॉन्ड फ्लोट किए, अब $10 मिलियन 1 करोड़ डॉलर है, दैट मीन्स 2 अरब
200 करोड़ हो गए, 2 अरब, 2 अरब रुपए किसके पास रेडिली अवेलेबल होगा 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, जितनी भी ड्यूरेशन है, रेडिली अवेलेबल हो कैश फॉर्म के अंदर के पे कर दे। हो सकता है उसके पास एसेट्स हो, बिजनेस ने जब लिया है तो उसने कहीं यूज किया होगा, कुछ उससे अर्निंग भी की होगी, हो सकता है एसेट्स इससे ज्यादा के हो, लेकिन रेडिली कैश फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी एक वक्त जब आपने इतनी बड़ी पेमेंट करनी है कि पूरी पेमेंट एक बार करनी है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आपके पास इतना कैश एट हैंड अवेलेबल हो। और उस वक्त तक क्या बनेगा, जैसे भी श्रीलंका की मैंने एग्जांपल दी कि जब इशू किया था तब तो हालात ठीक थे, इशू हो गया, लोगों ने खरीद लिया, जब रीपेमेंट का टाइम आया तब उनके पास कैश नहीं है, उनको डिफॉल्ट करना पड़ा अपनी पेमेंट के ऊपर। सो ये एक रिस्क इसके अंदर आ जाते हैं कि जहां पर इतनी बड़ी अमाउंट, और ये एक ऐसी अमाउंट होगी, लेट्स सपोज ये जो 200 अरब, 200 करोड़ है, 2 अरब है, हो सकता है किसी बैंक के पास भी एट द डे इतने कैश ना अवेलेबल हो जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है बाकी को। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में है, आपने पेमेंट बनाकर चेक बनाकर जो भी पेमेंट करनी थी कर दी, अब वो बैंक के पास इतना कैश होगा तो देगा, ठीक है। सो इस केस में कभी कभी ये इशू आ जाता है। सीरियल बॉन्ड्स ये थर्ड टाइप है, सीरियल बॉन्ड। अब इसके अंदर वैसे मैं अगर पहले वाली की भी डिस्कशन कर लूं इसकी टर्म बॉन्ड की, यूजुअली इसमें एक हमारे पास जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि हम हर कुछ अरसे बाद कुछ कैश अपने पास स्टोर कर लेते हैं। हम लेट सपोज अगर 10 साल का है ना, हम डिसाइड करते हैं कि जी ये लेट सपोज 2 अरब था या 10 अगर मिलियन है, तो हम हर साल एक मिलियन करके, $1 मिलियन करके पैसे जमा करते हैं। बाय द 10th ईयर हमारे पास 10 मिलियन जमा हो जाएंगे और हम फिर इसकी पेमेंट करते हैं। एक तरीका ये होता है इसका, ठीक है। देयर कुड बी अदर वेज की इन्वेस्टमेंट कर दी जाए या इंश्योर किया जाए कि तब और आ जाइए। एक और तरीका ये होता है कि फिर आप नया बॉन्ड इशू करते हैं उसकी मेच्योरिटी से पहले, जब नया बॉन्ड इशू करते हैं उसकी मेच्योरिटी से पहले तो पैसे आ जाते हैं, उससे पिछले की पेमेंट कर देते हैं और नया वाला फिर आगे चलता रहता है। देन कम्स इन द सीरियल बॉन्ड। सीरियल बॉन्ड इसी की एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हम उसकी पेमेंट कर सकें। इसमें आप सीक्वेंशियली पेमेंट कर रहे होते हैं। सीक्वेंशियली मतलब यू डिवाइड इट इनटू इंटरवल्स, इनटू इक्वल चंक्स, इक्वल पेमेंट इंटरवल्स, ठीक है। सो पेमेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल हमने 10 साल का बॉन्ड इशू किया है, हमने कहा कि हम सीरियल बॉन्ड इशू कर रहे हैं, हम पहले साल के एंड के ऊपर 1 बिलियन की पेमेंट कर देंगे, दूसरे साल के एंड के ऊपर 2 बिलियन की पेमेंट कर देंगे, हर साल हम 1 बिलियन की पेमेंट करते जाएंगे, 10वें साल सबकी पेमेंट क्लियर होगी, सिंपल। So like some bonds mature in 1 year and the next same in the next year. So like out of 10,000 bonds, 2,000 mature in 2025, 2,000 more mature in 26, 2,000 more mature in 27 and so on. आप उसको 5 सालों में mature करते हैं 2,000 bond करके, या फिर आप अगर 10 सालों में करते हैं तो 1,000 bond करके करते हैं 10,000 bond में से। This way the bonds mature in a series and it is easier to pay off the bonds as compared to paying at all at once. मॉर्गेज बॉन्ड्स। मॉर्गेज बॉन्ड्स को समझाने से पहले मैं मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर दूं। व्हाट इज अ मॉर्गेज? इफ यू सी मॉर्गेज, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था ये मॉर्गेज क्या होता है। यस, प्रॉपर्टी को क्या किया है? यू कैन गिव मी द रॉन्ग आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि मॉर्गेज ये कि आप रियल इस्टेट खरीद रहे हैं, मैं इसको प्रॉपर्टी से नहीं देता क्योंकि रियल इस्टेट कोई भी काउंट हो जाएगी। आपने घर खरीदा, आपने ऑफिस बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई वेयर हाउस खरीद लिया, एनी सॉर्ट ऑफ रियल इस्टेट, कोई भी रियल इस्टेट की हम चीज़ जब खरीदते हैं वो अगेन। और अब हमें जो ये इसकी अजम्पशन है मॉर्गेज की, ये है कि जो रियल इस्टेट की चीज़ खरीदते हैं उसके अगेंस्ट बैंक से लोन लेते हैं वो मॉर्गेज होती है। इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट। हम जो लोन लेते हैं बैंक से अगेंस्ट एनी रियल इस्टेट एसेट वो मॉर्गेज है। अब उससे जो हमें पैसे मिले हैं उससे हम गाड़ी भी खरीद सकते हैं, उससे हम ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं, उससे हम रियल इस्टेट भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उससे एंड ऑफ द डे रियल इस्टेट खरीदी जाए। उसकी जो सिक्योरिटी दी थी हमने कोलेटरल के तौर पर जो रखवाया था वो हमने एक रियल इस्टेट एसेट रखवाया, इसलिए वो मॉर्गेज कहलाता है। अब आमतौर पर होता यह है कि हम रियल इस्टेट ही खरीद रहे होते हैं और फिर क्योंकि हमने मॉर्गेज करवाया था, हम जो नई खरीद रहे होते हैं उसी को मॉर्गेज करवा देते हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि हमने, मेरे पास एक घर था हाउस ए और एक अब मैं खरीदना चाहता हूँ हाउस बी, ठीक है। हाउस ए मेरे पास था, मैंने इसको बैंक के पास कोलेटरल रखवाया कि भाई ये मेरा कोलेटरल है, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दो, मैंने हाउस बी खरीदना है। सो मॉर्गेज मेरी हाउस ए के ऊपर क्रिएट हुई, बी के ऊपर नहीं। आमतौर पर हम इसको जो कंफ्यूज कर रहे थे इसीलिए कि जो न्यू खरीद रहे हैं उसको मॉर्गेज कहा जा रहा है,
वो इसलिए क्योंकि जब आप न्यू खरीदते हैं तो होता यह है कि आपके पास ए है नहीं, आपके ये फर्स्ट हाउस ही है, ठीक है। इन दैट केस आपके पास क्योंकि कोई और प्रॉपर्टी नहीं है प्लेज करने के लिए, आप इसी प्रॉपर्टी को प्लेज कर देते हैं, यही मॉर्गेज हो जाता है, तो इसी को वो मॉर्गेज कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट ही आपको लोन दे देते हैं, इसलिए इसको मॉर्गेज कहा जाता है। लेकिन मॉर्गेज इज समथिंग जिसके अंदर आप सिक्योरिटी के तौर के ऊपर एक रियल इस्टेट एसेट रखते हैं, ठीक है। उसके पैसों से जो उससे आपने लोन लिया है उससे आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं, उससे आप कार भी खरीद सकते हैं, उससे आप फॉरेन टूर पे भी जा सकते हैं, बैंक को कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ क्लियर करना जरूरी क्योंकि आगे अब इसके ऊपर जरा सी डिस्कशन आने वाली है। सो मॉर्गेज बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड जो किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड है विद सम सॉर्ट ऑफ रियल एस्टेट, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के जो रियल एस्टेट है वो बॉन्ड की सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो द रियल एस्टेट बिकम्स द सिक्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। कि अगर हम आपको बॉन्ड की पेमेंट नहीं कर सकते तो ये रियल एस्टेट के थ्रू हम आपको पेमेंट कर सकेंगे। आई थिंक बॉन्ड मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस, ठीक है, अ प्रॉमिस टू रीपे, सो प्रॉमिस इज वर्थ नथिंग। हम उसको सिक्योरिटी का नाम देकर कुछ अच्छा सा पैकेज पकड़ देते हैं सेफ फील करवाने के लिए, बट इट इज स्टिल अ प्रॉमिस। तो इसलिए हम इसको सिक्योर करने के लिए फिर बॉन्ड के साथ एक रियल एस्टेट एसेट दे देंगे, ये एसेट हम अगर आपको नहीं पेमेंट कर सके एसेट बेचेंगे इससे आपको पेमेंट दे देंगे। सो दैट इज हाउ अ मॉर्गेज बॉन्ड इज क्रिएटेड। बट इफ इट इज सिक्योर्ड बाय लैंड और फैक्ट्री देन इट इज कॉल्ड अ मॉर्गेज बॉन्ड। लेकिन अगर जिसे हम कहते हैं इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर मैंने गलती से इक्विवेलेंट लिख दिया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम किसी लैंड या किसी बिल्डिंग की जगह या किसी मशीन को प्लेज करवा दें कि इस मशीन के अगेंस्ट हम आपसे ये कर्जा ले रहे हैं, अब मशीन क्या हो सकती है? मशीन यूजली इस केस के अंदर इट कुड बी एज स्मॉल एज अ ट्रैक्टर, कोई इशू नहीं है। तो ट्रैक्टर या हमारे हार्वेस्टर अगर आज है तो करोड़ एक रुपए का, लेट्स सपोज अगर आप भी जाते हैं, लेट्स सपोज दैट इज नथिंग कम्पेयर टू द एग्रीकल्चरल मशीनरी जो आज इस वक्त एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे फील्ड हैं, कुछ किसी ने कुछ एकड़ के ऊपर अगर गंदम वगैरह उगा लिए, इंटरनेशनली ये है कि बहुत कम एग्रीकल्चरिस्ट बचे हुए, उनके पास बहुत मैसिव किस्म का लैंड है। अब उस सारे लैंड के ऊपर वो यूजुअली एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, गंदम उगा रहे हैं या कोई भी फसल उगा रहे हैं। अब इतनी बड़ी फसल एट अ गिवन टाइम उगी हुई है कि हजारों एकड़ आगे जहां तक देख रहे हैं उससे आगे तक भी आपकी फसल उगी हुई है। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट इट ऑल, ठीक है। एक हमारे तरह उनके पास चीप लेबर नहीं, उन्हें पर आवर पे करना पड़ेगा, लेबर हायर करेंगे तो, एंड इट विल बी टू स्लो, उनके पूरे फील्ड्स हार्वेस्ट नहीं होंगे इन टाइम, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए उनको बहुत हैवी किस्म की मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और आज ऐसी मशीनें आई हुई हैं, हार्वेस्टर्स आए हुए हैं, दे वुड बी मिलियंस ऑफ यूरोज, नॉट रुपीज, मिलियंस ऑफ यूरोज के अंदर आपको वो मिल रहा होगा कि ये 20 मिलियन यूरोज का है, ये 100 मिलियन यूरोज का है। 100 मिलियन यूरोज वुड बी अराउंड 10 करोड़ यूरोज, ठीक है। तो अब लेकिन वो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव थिंग, ये इस पूरे हॉल के बराबर के साइज का हो सकता है वो, एंड देन अबव द स्टोरी तो हो सकता है इस बिल्डिंग की हाइट से भी ज्यादा ऊंचा हो, तो एक मैसिव किस्म का हार्वेस्टर होगा। लेकिन उसकी स्पीड होगी कि वो डे एंड नाइट काम कर सकते हैं, नाइट टाइम के ऊपर भी, डे टाइम एंड नथिंग लेस देन एन एयरक्राफ्ट इवन, क्योंकि उसमें GPS भी होगा और वो ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्राइव कर रहा होगा। अगर आप ड्राइवर उसमें कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अंदर बैठा है, वो खुद GPS के थ्रू ट्रैक करता जाएगा कि कितनी क्रॉप कट गई है, कितनी रह गई है, वो यहाँ तक दे रहा होगा आपको क्योंकि कितनी प्रोडक्टिविटी है इस फील्ड की, अभी तक इतने हेक्टेयर कवर हुए, पर हेक्टेयर इतना ही यील्ड आई है हमारे पास। सो इस तरह की मशीनरी को भी यूज किया जा सकता है जो कि फैक्ट्री से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इन दैट केस आप रियल इस्टेट रखवाने की बजाय इस तरह की मशीन को भी एज अ सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, बॉन्ड के अगेंस्ट प्लेज करवा सकते हैं कि जी ये मशीन हमारी जो है इसके अगेंस्ट हम आपसे कर्जा ले रहे हैं। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक मशीन को सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं, एक मशीन की इनकम को सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं। कैसे? अब ये 10 मिलियन यूरोज का लेट सपोज एक हार्वेस्टर है, ये हार्वेस्टर सिर्फ हार्वेस्टिंग सीजन में काम आना है। ऐसे ऐसे फील्ड्स भी मिलेंगे आपको यूरोप के अंदर जहां पर ऐसे 3 हार्वेस्टर एट एनी गिवन टाइम चल रहे होंगे एक ही फील्ड के अंदर, एक ही कंपनी के लिए। अब इशू ये है कि इतने हार्वेस्टर वो खरीद तो नहीं सकते, वो कहते हैं इतने खरीद लें, पूरे साल में हमने सिर्फ एक बार जब फसल आएगी एक दो बार तब हमने इसको यूज करना है, एक डेढ़ महीना मुश्किल से, तो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम इसको रेंट कर लेते हैं। व्हाट वुड दे डू इज कि वो खुद परचेज करने की बजाय कंपनीज होंगी जिनसे उसको रेंट या लीज कर लेंगे उतने अरसे के लिए, इतने अरसे के लिए हमें दे दो। तो वो बेसिकली मशीन एज एन एसेट हो सकती है जिसके ऊपर इनकम आ रही होगी, वो रेंट हो जाती है और उसकी इनकम आती है।
उस इनकम को भी आप इसके साथ क्लैश कर सकते हैं, इसकी इनकम से आपकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि एक ऐसी मशीन हो सकती है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा आती हो। अब जिसका डेली का सिर्फ फ्यूल का खर्चा लाखों डॉलर्स का हो, तो उसकी इनकम डेफिनेटली डेली की कई लाख डॉलर की होगी, तो उससे बॉन्ड को आप इशू कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट, सॉरी, इसको हम कहते हैं इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स। सो इफ इट इज सिक्योर्ड विद मशीनरी और अदर मूवेबल इक्विपमेंट, इट इज कॉल्ड एन इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट। अगर रियल स्टेट के साथ है तो मॉर्गेज बॉन्ड। देन कम्स इन डिबेंचर्स। डिबेंचर इन सिंपल टर्म्स अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, ये आजकल तो कम मिलेंगे आपको देखने में, लेकिन बेसिकली जो बॉन्ड कंपनी इशू करेंगे वो डिबेंचर ही होता है, अनसिक्योर्ड होता है, यूजुअली सिक्योरिटी कोई नहीं होती। यूजुअली कंपनी वही इशू करती है जिसकी रेपुटेशन हो मार्केट में, कि लोग उसको पैसे दे देंगे सिर्फ उसके नाम के ऊपर, तो वही यूजुअली इशू कर रहे होते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड होता है। ये मैंने कहना पता है कि बॉन्ड्स यूजुअली प्रॉमिसेस नहीं है। सो इन टर्म्स के व्हेन वी गो टुवर्ड्स सिक्योरिटीज़ के, हम इसको सिक्योरिटी कहते हैं, वो सिर्फ एक नेम चेंज है ताकि लोगों को लगे ये सिक्योर है, इनको खरीदा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इट साउंड्स लाइक इंडेंचर, ये जो वर्ड है डिबेंचर, क्योंकि इंडेंचर इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, तो उससे मिलता जुलता इसका नेम डिबेंचर रखा गया है। दिस वन इज इंटरेस्टिंग, सबॉर्डिनेट बॉन्ड। सबॉर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आपको पहले दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, सीनियर एंड जूनियर। ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ जूनियर। जूनियर वो है जो इन केस आपके पास बॉन्ड्स रीपे करने का टाइम आ गया है, अब आपने बॉन्ड रीपे करने थे और आपके पास पैसे पूरे नहीं है, ठीक है, आपने $2,000 के बॉन्ड इशू किए, ठीक है, एक सीनियर था $1,000 का, एक जूनियर था $1,000 का। अब जब आपने पेमेंट करने का वक्त आया तो आपके पास सिर्फ $1,500 हैं पे करने के लिए। बट यू विल डू इज कि आप सीनियर को $1,000 दे देंगे, जूनियर को बचे हुए जितने पैसे भी होंगे वो जूनियर को चलेंगे, 500 बचे 500 जूनियर को, बाकी उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो यूजुअली उसको पता होता है जब जूनियर सर्टिफिकेट वो परचेज करा, तो जी इसके अंदर अगर बचेंगे तो मिलेंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं मिलेंगे, ये रिस्की है, रिस्की होगा तो डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा ऑफर होगा। सो मीन्स व्हेन मनी इज शॉर्ट एंड नॉट सफिशिएंट देन सीनियर गेट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन द जूनियर इज पेड। सिक्योर्ड, अगेन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट सिक्योर्ड का भी आ जाता है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एसेट, कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रियल इस्टेट, हम उसके पीछे प्लेज कर देते हैं या वो चीज़ या उसकी इनकम। यहाँ तक कि जैसे हमने म्यूनसिपल बॉन्ड डिस्कस किया था, उसके अंदर कोई वो अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसकी इनकम को भी वो साथ, जैसे कि वाटर सप्लाई की जो इनकम जो है वो उसके अंदर से हम पेमेंट करेंगे। जब ये साथ प्लेज कर देते हैं उसमें एक इशू आ जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये है, आई डोंट नो डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स को ही फॉलो किया जा रहा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में कि अगर आपने एक बॉन्ड को सिक्योर कर दिया है विद सम सॉर्ट ऑफ एन एसेट इनकम, इस एसेट की इनकम से उसको सिक्योर कर दिया है, अब जनरल पूल में से उसकी पेमेंट नहीं हो सकती, अब उस एसेट की इनकम में से इतने पैसे आएंगे कि उसकी पेमेंट हो जाए तो पेमेंट कर दी जाएगी, नहीं आएंगे तो नहीं की जाएगी। जनरल पूल में पैसे हैं भी तो नहीं दिए जा सकते उसके लिए, क्योंकि उसको सिक्योर किया गया था उस एसेट के लिए, ठीक है। तो कोई भी एसेट, कार, रियल एस्टेट, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कुछ भी आने थे, If it is secured, the asset cannot be used for anything else than payments of the secured debt. ठीक है, अगर secured है तो asset किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसी secured debt की payment के लिए इस्तेमाल होगा। If money is left over, then the senior gets paid. But if there is a shortage of funds, then it becomes unsecured. अब यहाँ पर एक मजे की चीज ये है कि secured भी था तो भी अगर पैसे बचे हैं तो senior को payment होगी, नहीं तो जितने बचे हैं उस हद तक senior को payment हो जाएगी, बाकी का unsecured हो जाएगा उसके अंदर से, और फिर जूनियर को तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा जब उसके लिए पैसे बचे ही नहीं। मूविंग टू अनसिक्योर्ड का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नाउ वी मूव ऑन टू सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट वो है जिसको पेमेंट, सबॉर्डिनेट बॉन्ड को पेमेंट होगी जब सीनियर और जूनियर को पेमेंट हो गई है उसके बाद, अगर सीनियर को भी पेमेंट हो गई, जूनियर को पेमेंट हो गई और फिर कुछ पैसे बचे तो सबॉर्डिनेट बॉन्ड को पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज सबॉर्डिनेट को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर लेट सपोज इसके एग्जांपल में दे सकूँ कि 3,000 थे, ठीक है, सबॉर्डिनेट बॉन्ड भी था, लेकिन अब आपके पास इनकम आई 2100, तो आपने सीनियर को पेमेंट कर दी 1,000 की, 1,000 की जूनियर को कर दी, जो 100 बचा है वो अब आप सबॉर्डिनेट को पे कर देंगे, ठीक है, जितने बचेंगे वो सबॉर्डिनेट को फिर मिलेंगे जब पहले दो की पेमेंट हो गई है। देन कम्स इन कन्वर्टेबल बॉन्ड, दिस यू माइट हैव हर्ड कन्वर्टेबल, फाइनेंस में आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड को सुना होगा। ओके,
कन्वर्टेबल बॉन्ड ये होता है कि जब आप इशू करते हैं तब इसको कह देते हैं कि हम इसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड, 5 साल बाद 10 साल बाद आपके पास ये कन्वर्जन के ऑप्शन है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें इनटू शेयर्स। आमतौर पे 99% तो 99% ऑफ टाइम्स ये कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स या स्टॉक ही होते हैं। समटाइम्स यू कैन इवन ऑफर अदर कंपनी स्टॉक, है आपके पास किसी और कंपनी का, आपकी कंपनी ए है, आपके पास कंपनी बी के शेयर पड़े तो आप कहते हैं उनके शेयर हम आपको दे देंगे, या किसी भी और किस्म की सिक्योरिटी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको ऑफर देते हैं कि भाई इतने टाइम के बाद आप इस रेशियो के साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन कन्वर्जन की रेशियो दी हुई होती है, टाइम ड्यूरेशन मेंशन होती है। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको कन्वर्जन में बेनिफिट होगा तो आप कन्वर्ट करवाएंगे, अदरवाइज आप अपना कैश ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन मिलेगी हर एक बॉन्ड के अगेंस्ट आप 15 शेयर ले सकते हैं। अब आपका बॉन्ड था $1,000 का, जब आपको 15 शेयर मिले तो आपने देखा कि मार्केट प्राइस शेयर की है $50, तो इसकी टोटल अमाउंट बनी $750। आपने कितने लेने थे $1,000, तो आपको नुकसान हो रहा है ना, आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं जी मेरे बॉन्ड के कैश देते हैं मुझे उसके अगेंस्ट, मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता। हाँ लेकिन अगर कंपनी आपको ऑफर करेगी आप 25 शेयर ले सकते हैं, तो $50 का एक शेयर है, 25 शेयर तकरीबन $1,250 के बन गए। तो अब आपको $1,000 का कैश मिल रहा है, उससे ज्यादा अमाउंट के शेयर्स मिल रहे हैं। नाउ यू विल प्रेफर कि मैं शेयर्स ले लूँ ताकि बाहर में चाहूँ तो मार्केट में बेच सकूँ। सो अकॉर्डिंगली लोग इसको कन्वर्ट करवा लेते होते हैं। देन कम्स इन स्टॉक वारंट्स। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बेरर बॉन्ड की साइड पे एक टीयर ऑफ स्लिप होती है, ये स्टॉक बेसिकली स्टॉक जो वारंट्स हैं इसकी साइड के ऊपर भी एक इस तरह की टीयर ऑफ स्लिप होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो स्टॉक वारंट है ये बेसिकली ऑप्शन है आपसे, आपको दी गई कि आप इस तारीख तक ये वाले शेयर इस रेट पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने बॉन्ड इशू किए थे, हम उसको स्टॉक वारंट उसके अगेंस्ट इशू करते थे कि जी आपको हम इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे, हम आपको इसकी पेमेंट तो नहीं दे रहे, हम आपको स्टॉक वारंट दे रहे हैं। आप क्या करें, आप लेट सपोज आज 2022 है, आप 2025 तक लेट सपोज अगर हमारे शेयर की प्राइस मार्केट में कुछ भी है, लेट सपोज $25 है, आप $20 के अंदर हमारा शेयर परचेज कर सकते हैं 2025 तक, ठीक है। और उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप उसकी पेमेंट कर देंगे, जिसके इंटरेस्ट का कूपन होता है उसको फाड़ेंगे, वो देंगे उसको, क्योंकि इसके अगेंस्ट शेयर की पेमेंट हो गई है, और उसके अगेंस्ट वो आपको शेयर इशू कर देंगे रादर देन गिविंग यू दी कैश, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्टॉक वारंट, कि आपके पास एक सर्टन टाइम पीरियड तक शेयर परचेज करने की ऑप्शन है, कि आप इस कंपनी का शेयर इस रेट के ऊपर परचेज कर सकते हैं टिल सर्टन टाइम पीरियड, और जो आपका इंटरेस्ट है उसके कूपन की जगह आपको वो शेयर परचेज करने की तरफ आपको कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाता है। So it is an option to buy stock up to a particular date, like you can buy the stock at $20 till 2025. It will be a bond and it may have tier of warrants and you can clip the coupon and instead of the interest you can pay for the stock purchase. यहाँ पर भी ये चीज़ important है, आप तभी exercise करेंगे जब आपको amount जो है वो ज़्यादा मिल रही होगी in terms of stock. जैसे कि पिछले किस्से में हमने बताया था कि जब bond को आपने convert करवाया share के अंदर अगर $750 बन रहे हो, आपके तो 1,000 थे, तो आप कभी भी उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपने कन्वर्ट के देखा कि यार ये तो बनते हैं $800, हमने तो $1,000 की बात, तो आप उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ जहाँ स्टॉक की प्राइस हायर होगी वहाँ पर आप उसको एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर स्टॉक ही $20 का है और आपको $20 दिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे मैं शेयर क्यों खरीदूंगा, तो मैं मार्केट से भी खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर शेयर मार्केट में 25 का और आपको 20 का दिया जा रहा है तो आप कहेंगे नहीं मुझे शेयर खरीदना चाहिए, मुझे इसके अंदर बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। Then comes in callable bonds. जैसे convertible bonds हैं, जैसे callable bonds भी होते हैं, कि आप उसमें ये कह रहे थे कि हम कभी भी इन shares को, इन bonds को sorry call कर सकते हैं, वापस recall कर सकते हैं, हम आपको आपके पैसे दे देंगे, आप हमें हमारा bond वापस कर देंगे। तो वो bond पे mention होता है ये callable है, तो किसी भी time company चाहेगी तो वो आपके ये bonds recall कर सकती है, ठीक है। So call provision होती है, it will force the investor to give back the bond to the issuer and issuer will buy it back for a certain price. अब अगेन यहाँ पर ये जरूर होगा कि अगर 1,000 रुपए का बॉन्ड था ना, तो आपको 1,010, 1,020, 1,025, 1,030 कुछ एडिशनल दे रहे होंगे,
उसी 100% एक्चुअल अमाउंट के ऊपर बॉन्ड को रिकॉल नहीं कर रहे होंगे, ताकि आप आराम से उसको दे भी दें, और अगेन उसको जो बेनिफिट है कि जो रिकॉल या कॉलेबल ऑप्शन हम देते हैं ये रीफाइनेंसिंग के लिए देते हैं। रीफाइनेंसिंग के लिए क्यों देते हैं? और यूजुअली इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है ना वो इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए मार्केट में, लेट्स सपोज हमने जब बॉन्ड इशू किया था तब 10% इंटरेस्ट रेट था, हमने 10% पे बॉन्ड इशू कर दिया, अब मार्केट में इंटरेस्ट फॉल कर करके 5-6% पे आ गया, ठीक है, लेट्स सपोज 6% पे आ गया। अब आपको बेनिफिट है अगर आप नए बॉन्ड इशू करते हैं, पिछले बॉन्ड पे तो आपको नुकसान हो रहा है, आप 4% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने लेट्स सपोज $100 million के बॉन्ड फ्लोट किए थे तो आपको $4 million हर साल उसके ऊपर पे करना पड़ रहा है, सॉरी $4 million हर साल एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ओवरऑल तो 10 करना पड़ा ना, $4 million जो 10% आप पे कर रहे हैं, लेकिन $4 million क्योंकि आप 6% हो गए, $4 million आपको एक्स्ट्रा हर साल पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पेमेंट आपकी बच सकती है अगर आप इसको कॉल बैक कर लें। तो आप कॉलेबल बॉन्ड इशू करते हैं जब इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं 6% पे आ गया, 4-5% के पर आ गया, आपने कहा जी कि नए बॉन्ड इशू करो, पहले नए बॉन्ड 6% पे इशू किए, उससे पैसे आ गए, उन पैसों से पिछलों को कॉल कर लिया कि भाई ये अपने पैसे पकड़ो और ये हमारे बॉन्ड वापस कर दो। अब आपकी फाइनेंसिंग, पहले 10 मिलियन पर ईयर इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ती, अब आपको 6 मिलियन पर ईयर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट गिव्स यू अ बेनिफिट कि आप कम में फाइनेंसिंग कर सकते हैं। हालांकि आपने बॉन्ड महंगा खरीदा, आपने 100,000 का बेचा था, अब 1020 का 1025 का खरीदा आपने, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये आपको जो पर ईयर $4 million बच रहे हैं उससे कम पड़ेगी। So we do call it refinancing. We issue new bonds on lower interest rates and we call back the old ones. It is called the refinancing. Difference between call price and the face value is the call premium. Okay, थक गए? चलें आखिरी टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर फिलहाल छुट्टी दे देते हैं, ठीक है? Sinking fund. इसको अगर मैं सिंपली बता दूं, हमने पहले एक सीरियल बॉन्ड जैसे डिस्कस किया था, उसी तरह से सिंकिंग फंड होता है कि आप हर साल कुछ ना कुछ प्रोविजन रखते जाते हैं और उसके अगेंस्ट आप कुछ बॉन्ड्स बाय बैक करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगेन आपको पता है कि आप एक बार सारी पेमेंट नहीं कर सकेंगे। आप एक सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं कि ये बॉन्ड है हमने इतने सालों में परचेज बैक करने हैं, तो इसके लिए फंड क्रिएट करते हैं और हर साल कुछ कुछ बॉन्ड्स करके आहिस्ता आहिस्ता परचेज बैक करते रहते हैं और उसकी पेमेंट करके वो बॉन्ड क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड टू पे बैक द बॉन्ड, इट इज कॉल्ड अ सिंकिंग फंड प्रोविजन। इट इज अ प्रोविजन इन विच द इश्यूअर मस्ट रेगुलरली बाय बैक सम बॉन्ड्स। इट मेक्स द बॉन्ड लुक लाइक अ सीरियल बॉन्ड। ये सीरियल बॉन्ड जैसे मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल सीरियल बॉन्ड की तरह ही, कि ऑलमोस्ट उस तरह से आपने प्रोविजन रख लिया कि हर साल हमने इतने बॉन्ड रीपरचेज कर लेने हैं, ठीक है। If you have $10 million bonds, we buy back 10% after year five and till year 10, and at year 10 we are left with only 50% bonds to be paid. ठीक है, अब इसमें और सीरियल में डिफरेंस ये कि सीरियल के अंदर आपने सेट कर दिया कि 10% एंड तक आपने लेते रहना हर साल, ठीक है। इस केस में आप सेट कर सकते हैं क्योंकि हम आज फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इससे आज तो रेवेन्यू नहीं आना शुरू हो जाएगा, हमने कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसे उठाए ना मार्केट से। अगर हम पहले साल के एंड के ऊपर उनको बॉन्ड वालों को वापस कर देंगे पैसे, तो हमारे तो पैसे कम हो गए, हमने तो पहले साल के एंड के ऊपर कोई इनकम भी नहीं अर्न करनी। हो सकता है अपना प्रोजेक्ट ही कंप्लीट ना हो, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी प्लांट की तो वो प्रोडक्शन शुरू करेगा, फिर कुछ सालों में प्रॉफिट देगा। तो आपने ठहर गया कि ये प्रोजेक्ट है 5-10 सालों का, जो मिनिमम स्टार्टिंग का टाइम है इसका, तो 5 साल के अंदर हमें ये कुछ रेवेन्यू देना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 5वें साल से हर साल 10% बॉन्ड्स को रिटायर करते जाएंगे, 5वें साल के बाद हर साल 10% खत्म कर देंगे बॉन्ड्स। फिर एंड के ऊपर जो हमारे पास आखिरी 10वें साल के अंदर पेमेंट बचेगी, सिर्फ 50% पेमेंट करने वाली रह जाएगी, बाकी 10-10% तो हम हर साल दे रहे होंगे ऑलरेडी। पहले 5वां साल आया 10% दे दिया, 6ठा साल आया फिर 10 दे दिया, अब 10वें साल में सिर्फ 50% पेमेंट देने वाली बचेगी, 100% देने वाली नहीं होगी। तो इस तरह से भी उसको मैच्योर किया जाता है, इसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके जो पेमेंट आपने करनी है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हैं, सिंक करते हैं, ठीक है। Instead of making a huge payment at the end of year 10, we divide it over the years. It is thought to be lower risk, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करते जा रहे हैं इसलिए ये लोअर रिस्क कंसिडर होता है, कि आपने एक ही बार इतनी बड़ी पेमेंट नहीं करनी कि आप फंस जाएंगे, इतना कैश कहाँ से लेके आएंगे।
फाइन, बाकी अगर मैं पढ़ाने लगा तो आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा हो गए, तो दैट्स इट।